हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका NTPC CHSL और कई एग्ज़ाम 2019 में होने वाले हैं, और इसके लिए आपको GK पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि ग्रुप डी में देखा गया, LP में देखा गया, काफ़ी क्वेश्चन आपके GK से रिलेटेड आते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, इस पूरे वीडियो में आपको ओलंपिक के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ओलंपिक की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ओलंपिक जो है, आधुनिक जो ओलंपिक हैं, उन खेलों का आयोजन और नियंत्रण कौन करता है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एवं नियंत्रण अगर पूछा जाए तो वो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आप इसे लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ये जो ओलंपिक होता है, इस प्रतियोगिता में क्या होता है, इस प्रतियोगिता में एक ध्वज का यूज किया जाता है। उस ध्वज में प्रतीक के रूप में कितने चक्र होते हैं उस ध्वज में, तो उसका आंसर होगा 5 चक्र होते हैं। इस तरीके से बना होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं, और ये जो होते हैं मिले हुए दर्शाए जाते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ ही विश्वव्यापी खेल भावना का भी ये सूचक होता है। ठीक है, अब देखते हैं पहली बार जो ये ओलंपिक ध्वज है पहली बार कब फहराया गया। तो एक खेल प्रतियोगिता हुई थी ओलंपिक की, जिसका नाम था एंटवर्स। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटवर्स। और ये हुई थी 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में हुई थी, तब ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। अब ये जो 5 चक्र होते हैं, इनके 5 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं 5 चक्रों के रंग अगर पूछे जाते हैं, तो वो होता है नीला, ठीक है, और होता है पीला, काला, नीला, पीला, काला, हरा और साथ में लाल। ठीक है, तो ये 5 कलर होते हैं उन जो चक्र होते हैं। अब ये जो चक्र होते हैं वो महाद्वीपों के लिए होते हैं, तो कौन से कलर का जो चक्र होता है किसके लिए होता है वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो जो यूरोप है, अगर बात यूरोप की कहा जाती है, तो यूरोप के लिए जो है वो नीला चक्र का यूज करते हैं, एशिया के लिए पीला चक्र का यूज करते हैं, अमेरिका के लिए लाल चक्र का यूज करते हैं, तथा काला चक्र अफ्रीका के लिए यूज किया जाता है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज किया जाता है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, ओलंपिक खेल जो होता है उसका एक आदर्श वाक्य होता है, जैसे साइटियस, आर्टियस या फार्टियस, ये 3 क्या होते हैं उसके आदर्श वाक्य में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है आदर्श वाक्य इसका मतलब। इसका मतलब होता है तेज दौड़ना, ऊंचा उठना, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करना। ठीक है, इस आदर्श वाक्य का मतलब यही होता है। और ओलंपिक खेल जो हैं, जैसे कि लिखा है कि किस वर्ष नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, तो सन 1916, 1940 और 1944, ये एक वर्ष थे विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी याद होना चाहिए। एक नाम आता है ओलंपिक से जुड़ा हुआ, माइकल फिलिप्स, इनका नाम क्यों आता है। देखिए, ये एक क्या है, ये एक यूएसए के, अगर बात की जाए, ये यूएसए के तैराक हैं। ठीक है, यूएसए के तैराक हैं नहीं, पूर्व तैराक यूएसए के थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने का खिताब इन्होंने हासिल किया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और वो जो ओलंपिक हुआ था वो बीजिंग ओलंपिक था। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष जो खिलाड़ी यूएसए के तैराक हैं, वो माइकल फिलिप्स थे। ठीक है, अब शुभंकर की परंपरा, जो शुभंकर यूज किया जाता है ओलंपिक में, उसकी परंपरा कब सामने आई, तो मेक्सिको सिटी, ठीक है, मेक्सिको सिटी जो है उसका एक ओलंपिक हुआ था 1968 ईस्वी में। मेक्सिको सिटी ओलंपिक हुआ था 1968 ईस्वी में, तब ये शुभंकर की परंपरा सामने आई थी, मतलब शुभंकर को परंपरा अपनाई गई थी। देखिए, बीजिंग ओलंपिक जो है, बीजिंग ओलंपिक 2008, उसका स्थान था बर्ल्स नेक्स्ट चीन बीजिंग। वहाँ पे शुभंकर जो यूज किया था वो था फुआ, फुआ नाम का शुभंकर यूज किया गया था। अब देखते हैं 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे। तो 2016 के जो ओलंपिक हुए थे वो रियो डी जेनेरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, कहाँ, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ये जो हुआ था। और 2020 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो जो होंगे वो टोक्यो जापान में होंगे। कहाँ होंगे, टोक्यो जापान में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगामी खेल पूछे जाते हैं टोक्यो जापान में होगा। चले फिर देखते हैं कुछ शीतकालीन ओलंपिक की विशेषता क्या होता है।
सबसे पहले तो शीतकालीन ओलंपिक जो स्टार्ट हुए वो 1924 में स्टार्ट हुए। ये क्या होते हैं, ये 16 दिन तक चलते हैं, ठीक है। तथा इनमें जो है कम से कम 25 देशों में, कम से कम 25 देशों में जो खेल खेले जाते हैं वही इनमें शामिल किए जाते हैं। तो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है आपकी। अगर ग्रीष्मकाल ओलंपिक के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, इसमें वही खेल शामिल होते हैं जो लगभग 50 देशों में पसंद किए जाते हैं या लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब ओलंपिक खेलों में कुछ भारतीय खिलाड़ियों का महत्व तो है वो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। तो 1992 में हेलेक्सी ओलंपिक हुआ था, तो उसमें के डी जाधव भारतीय जो थे उन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था कुश्ती में, रजत पदक। तो पूछा जाता है के डी जाधव किस खेल से संबंधित हैं, तो किस खेल से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। और उन्होंने 1992 में हेलेक्सी ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगला है जो है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस अटलांटा, लिएंडर पेस जो हैं उन्होंने अटलांटा ओलंपिक में 1996 ईस्वी में टेनिस स्पर्धा हुई थी, तो टेनिस स्पर्धा में उन्होंने कांस्य टेनिस पदक जीता था। कौन सा पदक, कांस्य टेनिस पदक जीता था, ठीक है। चले आगे देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया, 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में, ओलंपिक कहाँ का था, सिडनी ओलंपिक में भारत तोलन में कांस्य पदक जीता था। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, सिडनी ओलंपिक के भारत तोलन में कांस्य पदक जीता था सन 2000 में। फिर आते हैं एथेंस ओलंपिक। जो एथेंस ओलंपिक 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर जो हैं, राजवर्धन सिंह राठौर इन्होंने क्या किया, निशानेबाजी के लिए रजत पदक जीता था। तो इनके नाम निशानेबाजी का रजत पदक है एथेंस ओलंपिक वर्ष 2004 में। सुशील कुमार भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीते हैं। कौन, सुशील कुमार। बीजिंग ओलंपिक के वर्ष 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल की, 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा में क्या इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये इनके नाम है। बीजिंग ओलंपिक वर्ष 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर फायर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिर देखिए बीजिंग ओलंपिक 2008 में सुशील कुमार जो थे उन्होंने 66 kg फ्री स्टाइल वर्ग में तथा विजेंदर सिंह ने मुक्केबाजी में, दोनों ने कांस्य पदक जीता था, विजेंदर ने मुक्केबाजी में और सुशील कुमार ने कुश्ती प्रतिस्पर्धा 66 kg के फ्री स्टाइल वर्ग में। चला देखते हैं आगे। रियो ओलंपिक जो 2016 में पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए उन्होंने रजत पदक जीता था तथा साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका ये वीडियो, ओलंपिक से सारे आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको बताए गए हैं। आप एक अच्छी सी नोट बनाएंगे अपने, इसी तरीके से जीके स्पेशल डेली मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।